स्टूडेंट, मैं वापस 10th क्लास में प्रश्न वाले 2.3 का पहले क्वेश्चन का मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें जी पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है। तो यहाँ मैं आसान ट्रिक से एक और लाया हूँ, जिसमें पी एक्स बटे जी एक्स, मतलब यहाँ पर इसमें इसमें इसका भाग देंगे, यहाँ पर देंगे जिसके x अपॉन x घात 4 माइनस 5x और प्लस का 6, यहाँ पर भाग देंगे माइनस 2, यानी हम इसको क्योंकि हमें 2 माइनस x स्क्वायर यानी x स्क्वायर पीछे है, तो हम इसको सही साथ लिख देंगे, तो माइनस 2 माइनस x स्क्वायर और प्लस का 2, यानी इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया, यानी कि ये माइनस का तो आगे और ये क्योंकि हमें दीर्घात ऊपर लगाना है, तो यहाँ पर एक से आगे लिखा हमने, तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हमें फर्स्ट वाली संख्या को याद रखना है और पीछे वाली को भूल जाना है, और यहाँ फर्स्ट वाली को हमें याद रखना है और पीछे वाली को भूल जाना है, यानी कि हमें इन दोनों से लेना देना। तो यहाँ पर x से घात 4 और माइनस x, यानी अब यहाँ पर काटना नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x से घात 2 यानी काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर भी समझ नहीं आते 4 है तो हमें 4 बार लिख देते, और नीचे कितना है 2 है, तो ये x से x, ये तो ये x से x, अब कितना बचा x x माइनस, मतलब माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर बचा है, तो यानी हम माइनस x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर घात 4 आ जाएगी, जैसे कि x स्क्वायर की 2 यानी माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी आधा समान है, तो घाते जुड़ जाती, यानी x से घात 2 प्लस 2 यानी x से घात 4, यानी कि हम x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का भाग देंगे माइनस का, तो हमें प्राप्त होगा माइनस प्लस का x स्क्वायर, यानी इसका गुणा इसमें माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर या आधार समान है, तो घाते जुड़ जाते थे 2 2 2 प्लस 2 यानी 4, तो एक्स घात 4। अब हम क्या करते हैं, संख्या से प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस माइनस का 2x स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको यही लिखते हैं 2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस है तो प्लस, अब ये कट गया बेटा, अब यहाँ पर यहाँ से कटेगा क्योंकि इसकी घात 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x, तो हम क्या करते हैं इसको आगे लिखते हैं, तो ये प्लस का हो गया, माइनस था तो हमने उसको प्रश्न अनुसार उसको माइनस का कर दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं 2x स्क्वायर यानी कि प्लस का, तो 2x स्क्वायर और ये माइनस का 5x, ये माइनस का 5x और प्लस का 6। अब हम वापस नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं कि इसको याद रखते हैं और इसका भाग देंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में हम भाग देंगे माइनस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो बचा कितना है माइनस का 2, यानी हम एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 2 में करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 2 में करते हैं, माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, यानी यहाँ हमें आंसर प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और 2 का गुणा 2 में किया तो कितना हुआ 2 दुनी 4, तो यहाँ पर हम संख्या के नीचे लिखते हैं, पर वो आंसर किसका होगा माइनस का, तो यहाँ पर हम प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर ये कट गया और यहाँ माइनस एक्स और प्लस का 10, यह हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो जिस तरह से यहाँ लिखेंगे कि अतः पी एक्स में जी एक्स का भाग देने पर भागफल माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 और शेष फल माइनस का 5x प्लस का 10, यहाँ हमारा आंसर प्राप्त हुआ। थैंक यू। और भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके भेज दीजिए।